गर्व होना चाहिए अगर आप कहीं ना कहीं भारतवर्ष में जन्म लिए, गर्व होना चाहिए। क्यों? कि बाय डिफॉल्ट बचपन से आपको कहीं ना कहीं भगवान का नाम सुनने को मिलता है, आप महादेव से कनेक्टेड हैं, कृष्ण से कनेक्टेड हैं, हैं? मैं बोलूँ वर्स्ट क्लास व्यक्ति भी है ना यहाँ पर, कम से कम नवरात्रों के व्रत रख लेता होगा। वर्स्ट क्लास बोलते ना, ये थर्ड क्लास है, इसका काम है दारू, नॉनवेज, गलत काम, लड़कीबाजी, सारे गलत काम। एटलीस्ट शुरुआत में जीवन से कहीं ना कहीं, आई रिमेंबर आफ्टर माई मदर माई फर्स्ट लव वॉज हनुमान जी। यहाँ पर आप वोटिंग करवा लेंगे ना बाबूजी, हर एक बच्चे का पहला प्यार हनुमान जी होते हैं नेचुरली। तो ये हमारा भाग्य है, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें बचपन से ही ऐसी परिस्थिति मिली, कहीं ना कहीं भगवान के टच में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भगवान से थोड़ा सा जुड़िए, अपने हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से। भगवद गीता जैसा बोलती है, अनलिमिटेड सफरिंग वी हैव गॉन थ्रू। ऐसा नहीं कि सनी जी आज बहुत बड़े व्यक्ति, इनको कोई टेंशन नहीं है, बोलते ना छुएंगे तो बिखर जाएंगे, इतना है प्रभु जी। ऐसा थोड़ी ना था, ऐसा था कि प्रभु जी इट वॉज वेरी इजी, यू स्टार्टेड फ्रॉम मुरादाबाद एंड जस्ट नो। हर एक दिन एक वो है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। हर एक प्रभु जी हमारे यहाँ पर ये कैमरामैन भैया है ना, अगर ये आप साधना चैनल से हैं भाई, आपकी पोजीशन के लिए ना 50 बंदा वेट कर रहा है, कब ये व्यक्ति हटे तो मैं लग जाऊं। हर एक पोजीशन के ऊपर ना प्रभु जी उसका एक रिप्लेसमेंट बैठा है। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, वी मस्ट अप्रिशिएट। बोलते ना अच्छा कब हो जाएगा, जब हम सब कुछ करके कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये नहीं है। कर्म कर, उसको भगवान को ऑफर कर। भगवान ने भगवद गीता में बोला जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको खुद भोग रहा है, तो वो व्यक्ति जानवर है। सिंपल डेफिनेशन।